से तनातनी के बीच मॉस्को में रूस के डिप्टी पीएम से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा उपकरणों की तुरंत सप्लाई को लेकर चर्चा। एलएसी पर विवाद के बीच काफी अहम है राजनाथ सिंह का रूस दौरा। S-400 ट्रंप एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग। चीन से तनातनी के बीच आज फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे सेना प्रमुख नरवणे। कल एलएसी पर तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने 14 कोर के कमांडरों से की मुलाकात। एलएसी पर चीन की गतिविधियों को लेकर माथापच्ची। एलएसी के पास बढ़ेगी आईटीबीपी की तैनाती। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 35 कंपनियों को लगाने की तैयारी। विवाद पर कांग्रेस के सवाल पूछने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। ट्वीट किया, एक परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। जेपी नड्डा ने कहा, एक परिवार को जनता ने खारिज किया। एक परिवार के हित देश के हित नहीं हो सकते। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस के राज में 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर पाकिस्तान चीन के कब्जे के दस्तावेज दिखाए। क्यों दिया? हिंदुस्तान के दो राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होगी। आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के दो राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती। राहुल गांधी ने किया था सवाल, सरकार से पूछा था क्या चीन ने भारत की जमीन पर किया है कब्जा। बाबा रामदेव की कोरोना दवा की बिक्री और प्रचार पर रोक। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, बिना अनुमति की गई घोषणा। श्रीपद नाइक ने कहा, पतंजलि योगपीठ की तरफ से मिला जवाब, टास्क फोर्स कर रहा है समीक्षा। आयुष मंत्री ने बताया, आयुष मंत्रालय भी अपनी दवाई पर कर रहा है काम, जुलाई महीने तक आने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक। कहा, राज्य में सिर्फ 19% एक्टिव केस। रिकवरी रेट में देश में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ग्वालियर मॉडल को बताया सफल। कोरोना से देश में 24 घंटे में 465 की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा 14,000 के पार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,83,000। देश में कोरोना के मामले 4,56,000 से ज्यादा। 15,000 नए केस। अब तक 2,58,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मौत, मात दी है। लगातार सुधर रहा है देश का रिकवरी रेट। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। कुल आंकड़ा 66,600 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। अब तक कुल 2,300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी। अब तक 68,400 से ज्यादा केस। 3,800 से ज्यादा की गई जान। कोरोना से टीएमसी नेता तमुनेश घोष का निधन। करीब एक महीने से बीमार थे। 60 साल के तमुनेश घोष कोषाध्यक्ष की संभाल रहे थे जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने जताया शोक। ममता बनर्जी ने आज कोरोना संकट पर बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टी अध्यक्ष से खुद फोन पर बात की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए मरीज। अब तक 4,654 लोग हो चुके हैं संक्रमित। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के लिए डॉक्टरों नर्सों की जरूरत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी। गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, आईटीबीपी को दे दिया है संचालन का जिम्मा। 26 जून तक केयर सेंटर का बड़ा हिस्सा हो जाएगा शुरू। गृहमंत्री ने बताया, डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट मिलकर दिल्ली में बना रहे हैं 1,000 बेड और 250 आईसीयू वाला कोविड हॉस्पिटल। दिल्ली में टेस्ट करवाने के नए नियम से सरकार परेशान। कहा, पुरानी व्यवस्था में मरीज के घर जाती थी टीम। नियम बदलने की अपील। गुजरात के साड़न में फैक्ट्री में बड़ी आग। दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर। फैक्ट्री में डायपर बनाने का काम। खाली कराई गई फैक्ट्री, सभी सुरक्षित।
आसपास की फैक्ट्रियों को कराया गया खाली, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के जालौन में फर्नीचर के गोदाम में आग, एक कार भी आई चपेट में। राजसमंद नाथद्वारा में सवा घंटे मूसाधार बारिश, नगर की मुख्य सड़कें बन गई दरिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आने का आधिकारिक ऐलान कल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश, छा गया हल्का अंधेरा। बारिश से पहले चली थी धूल भरी आंधी, एनसीआर में लोगों को उमस से छुटकारा मिला। यूपी के कई इलाकों में बारिश, अलीगढ़ में बरसे बादल। पुंछ में आतंकवादियों के ठिकाने से हथियार बरामद, सरनकोट के हिलकाका एरिया में सुरक्षा बलों ने चलाया था तलाशी अभियान। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, पेट्रोल के दाम में आज नहीं की गई बढ़ोतरी। डीजल के दाम फिर बढ़े, 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 79.76 रुपए, डीजल के दाम 79.88 रुपए। महंगे पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, साइकिल से आए सीएम आवास तक। छिंदवाड़ा में जमीन विवाद में गुंडागर्दी, दबंगों ने महिला को घर में घुसकर पीटा। कन्याकुमारी में सेना और बीएसएफ के जवान क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से नहीं है खुश, वीडियो जारी कर सुनाया अपना दुख दर्द। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में कोरोना मरीजों का जाना हाल, महाकाल का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के सूर्या होटल में कोरोना अस्पताल में बदला गया, कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाएं शुरू। मुंबई के मलाड में दो मुस्लिम युवकों ने पेश की मिसाल, कोरोना मरीजों को फ्री में दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। बेंगलुरु में निलंबित आईएएस अधिकारी विजय शंकर ने की आत्महत्या, आईएमए पूंजी घोटाले में थे आरोपी। यूपी के कासगंज में एसआईटी की जांच में एक महिला समेत 5 और फर्जी शिक्षक मिले, दर्ज हुआ केस। चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 17 में बैंक ऑफ इंडिया के लोकल दफ्तर के पीछे साइकिल ट्रैक पर मिला लड़की का कटा हुआ पैर, हत्या की आशंका। देवबंद में टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम देखने के विवाद में 3 बहनों ने खाया जहर, एक की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में। कानपुर में आइसक्रीम के ठेले को ले जाते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, हफ्ता नहीं मिलने से था नाराज, जांच के आदेश। पटना से राघोपुर ले जाने वाला पीपे का पुल खोला गया, नाव पर ट्रैक्टर और कार लादकर गंगा पार करने को मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश में सरकारी लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने से सड़ा, खरीदी केंद्रों में रखरखाव के अभाव में भीग गया गेहूं। लॉकडाउन में फंसे 22 मजदूरों को भूटान से लाया गया पाकुड़, काम नहीं मिलने से खाने पीने की हो रही थी दिक्कत। नेपाल के बीरगंज में नए सिटीजनशिप बिल के विरोध में उतरी जनता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मेरठ में बिना लाइसेंस के चल रहा था पेट्रोल पंप, एडीएम सिटी ने मारा छापा, सेल्समैन समेत 2 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। पानीपत में एक मुस्लिम परिवार के 35 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया, परिवार के मुखिया ने 9 साल तक हरिद्वार में की तपस्या। पानीपत के आसन गांव के शिव मंदिर में यज्ञ के बाद अपनाया हिंदू धर्म, बोले औरंगजेब के समय दबाव में बदला था धर्म। चंद्रपुर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मोटरसाइकिल की सजाई अर्थी। थाने में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ खुला मोर्चा, अनोखे तरीके से प्रदर्शन। थाने में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने उड़ाई नकदी, सीसीटीवी में कैद वारदात। भीलवाड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालू गुर्जर ने आईटी एक्ट के तहत पुलिस में दर्ज कराया केस, उनके मोबाइल से बीजेपी के कई ग्रुपों में भेजे गए अश्लील वीडियो। होशियारपुर में ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर पर अश्लील बातें करने का आरोप, छात्राओं के परिजनों का हंगामा। मेरठ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों को ठग चुका है गिरोह। गोड्डा में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लोगों को बांध कर पीटा, जेल में एक की मौत। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर शहीद दीपक कार्की का अंतिम संस्कार, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हुए थे शहीद। भिवंडी के क्वारंटीन सेंटर से कोरोना संक्रमित हत्या का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तलाश। धौलपुर में अंबेडकर छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर से बाल अपराधी फरार, मोबाइल चोरी में पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। फरुखाबाद कोतवाली में तैनात सिपाही ओम प्रकाश शर्मा की कोरोना से मौत, कानपुर में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। ऊधम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग में निजी अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने अस्पताल को किया सील।
फतेहपुर के जिला अस्पताल में नर्सों पर गर्भवती महिला की पिटाई का आरोप, रोते बिलखते दिव्यांग पति और उनकी मां का वीडियो वायरल। कानपुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, राजकीय बालिका सुधार गृह में बच्चियों के गर्भवती और संक्रमित होने की खबर दिखाने से नाराज। लखनऊ में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए मुस्लिम समाज ने चित्रगुप्त मंदिर में किया विशेष हवन, गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि। बिजनौर में पुल का स्लैब टूटा, देहरादून नैनीताल हाईवे बंद। इटावे में मॉनसून की पहली बारिश में अंडरग्राउंड पुल लबालब भरा, कोरोना मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस घंटे भर फंसी रही। सुल्तानपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, घर वालों ने मरीज की बॉडी लेने से कर दिया था इनकार। बाराबंकी पुलिस के हेड कांस्टेबल दिलबहार यादव को एसपी ने किया बर्खास्त, पशुपालन विभाग में आटे का ठेका दिलाने के नाम पर ठेकेदार से वसूले थे करोड़ों रुपए। गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जुटी हुई है मामले की जांच में। गाजीपुर में चोरी के शक में एक शख्स के कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा गया, बाद में पुलिस के हवाले किया, पिटाई का वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे आया स्कूटर सवार, मौके पर मौत। नजरगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर दो ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने चलाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद वारदात। झारखंड में महिलाएं बना रही हैं मास्क, पीपीई किट और फेस शील्ड, कमाई 3.5 करोड़। सखी मंडल की महिलाओं ने 16 लाख मास्क, 1000 से ज्यादा पीपीई किट, फेस शील्ड और 7 सैनिटाइजर बोतल बनाई, बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं सखी समूह को ऑर्डर। कानपुर में एक कलाकार ने मोदी के रूप वाले घड़े बनाए, बिक्री बढ़ने से खुश। यूपी के डाकघरों में सैनिटाइजर की बिक्री शुरू, 60 एमएल से लेकर आधा लीटर तक की बोतलें उपलब्ध। धौलपुर में एक बेटी ने समाज को दिखाई नई राह, भाई नहीं होने पर पिता को दी मुखाग्नि। मुंबई में एक जोड़ी ने चर्च में सादे समारोह में रचाई शादी, बचे हुए पैसों से क्वारंटीन सेंटर में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट कर पेश की है मिसाल। किन्नौर के सरहदी इलाकों में गांव वाले चीन से किसी भी मुकाबले को तैयार, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कोई भी बलिदान देने की खाई शपथ। अगर मालवा में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कन्नौज में हर्ष फायरिंग में पंडित को लगी गोली, हालत गंभीर। अलीगढ़ में एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल, आरोपी पति गिरफ्तार। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, कई घरों को नुकसान, कई जगह सड़कें भी टूटी। मैक्सिको में सुबह 10:29 पर भूकंप के जोरदार झटकों से सहम गए लोग, दहशत के मारे हजारों लोग सड़क पर निकल आए। इसराइल के वेस्ट बैंक में पुलिस ने एक फिलिस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या की, फिलिस्तीनी नागरिक पर सेना के एक अफसर पर कार से टक्कर मारने की कोशिश का आरोप। ब्रिटेन में 4 जुलाई से खोले जा सकते हैं पब, रेस्टोरेंट और होटल, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा लोग अगले महीने से जिंदगी का मजा लें लेकिन एहतियात जरूर बरतें। ट्रंप की नई वीजा नीति से भारतीय पेशेवर परेशान, दिल्ली के पूर्व अधीक्षक का पति के पास अमेरिका जाना हुआ मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।